सबको मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबको डोईपोलो एयरपोर्ट लुंगी ईटानगर को दिखाने जा रहा हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है, कैपिटल ईटानगर के लिए बहुत अच्छा एक एयरपोर्ट बनाया है सरकार ने। और ये एयरपोर्ट जो है ये ईटानगर से 20-25 मिनट में पहुंच जाता है। मेरा घर से तो 20 मिनट लगता है। पहले हम लोग क्या करता था, बच्चा को दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने के लिए हम लोग गुवाहाटी में जाया करता था। लेकिन अभी देखिए, अपना घर से चाय पी के खाना खा के आराम से बच्चा को यहाँ में 20 मिनट में ड्रॉप करके हम वापस चला जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुविधा कर दिया है हम सब के लिए, हमारा अरुणाचल का ईटानगर वासियों के लिए बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए मेरा दिल से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए होलोंगी, हमारा डोईपोलो होलोंगी एयरपोर्ट आ गया है। इसमें हम अभी अपना बच्चा को यहाँ ड्रॉप करके मैं ईटानगर पीर वापस चला जाऊँगा। ये इतना अच्छा जगह है, खूबसूरत लोकेशन है। इसमें मैं यहाँ से अपना हमारा बच्चा अपना आपसे चला जाएगा। ये देखो मेरे बेटे को मैं यहाँ ड्रॉप करके फिर ईटानगर वापस चला जाऊँगा। ये है रास्ता, फिर ईटानगर जाने का रास्ता है। इतना खूबसूरत रास्ता है, हमारा पहाड़ देख देख के हमें मालूम ही नहीं पड़ता है 20 मिनट कैसा गुजर जाता है और घर पहुंच जाता है। तो हमारा दोस्त लोग कोई बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री चला जाता है देखने के लिए, लेकिन आप गौर से देखिए, अच्छा से देखिए, अपना स्टेट में, अरुणाचल में, अपना देश में इतना खूबसूरत पहाड़ है। तो इसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पहाड़ जो रास्ता का लेफ्ट राइट में जो नेचुरल ब्यूटी है, इसको ऐसा रहने दीजिए। मेरा देशवासियों, कोई भी इधर घर उर मत बनाइए, इसका ब्यूटी को बर्बाद हो जाएगा। ये इतना खूबसूरत पहाड़ है, ये पहले ज़माना में हम जब आसाम होलोंगी तरफ से आसाम जाने से ये रास्ता इतना खराब था, कीचड़ कीचड़ में गाड़ी स्लिप होके, पहले कभी हम रास्ता में गाड़ी रख के पैदल भी आना पड़ता था। तो ये इतना खूबसूरत रास्ता बना दिया, इतना सुंदर से बना दिया। तो इसलिए मेरा तरफ से अपना सरकार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा।